इस राष्ट्र के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, देश के हित में जिन वीरों ने अपनी जान गंवाई, उन वीरों के बलिदानों से ही आजादी। समर में उसने तीर चलाई, ओ देश के हित में जिन वीरों ने अपनी
बहना नाना की पुत्री थी मैना बेटियों बाबी क्या कहना नाना की पुत्री थी मैना साल में अंग्रेजों ने मैना अग्नि बीच जलाई हो भी क्या कहना नाना की पुत्री थी मैना जालिम अंग्रेजों ने वो मैना अग्नि बीच जलाई ऐसे वीर वीरांगनाओं के कारण ही तो आजादी आई। एक नहीं अनेकों उदाहरण है। नाना साहब फडणवीस नाना जब अंग्रेजों के साथ में टक्कर ली उन लोगों ने तो नाना साहब की गिरफ्तारी के आदेश हो गए। नाना साहब को भूमिगत होना पड़ा। पुलिस की टुकड़ी कुछ सिपाही नाना साहब के महल पे कोठी पर आए। नाना साहब वहां पर नहीं मिले। 10-12 साल की एक लड़की खड़ी है। पुलिस ऑफिसरों ने कहा नाना साहब का मकान यही है ना? जी यही है। नाना साहब का पता है? हाँ पता है। जरा हमें मिलाओ उनसे। कि नहीं मिलाऊंगी, तुम हमारे भारतवासियों के ऊपर इतने जुल्म जाति कर रहे हो, नाना साहब को मैं नहीं बताऊंगी। कहाँ है वो? कि नहीं बताऊंगी। ए लड़की, जानती हो तुम इसका क्या परिणाम होगा? नाना साहब के महल को, इस कोठी को अभी ध्वस्त कर देंगे हम और तुम्हारा बुरा हाल हो जाएगा। लड़की, तुम मानती नहीं। लड़की ने निगाह उठाई और उस ऑफिसर की तरफ देखने लगे। ओ आप मेरी के फादर है? तुम मेरी को कैसे जानती हो? लड़की की आंखें पसीज गई। मेरी मेरी सहेली थी, मेरी मित्र थी, हम दोनों इकट्ठा पढ़ा करते थे। दौड़ करके अलमारी में से छोटे छोटे टुकड़े कागज के लिए देखो, मेरी का लिखा हुआ पत्र है, मेरे से बड़ा प्यार करती थी। जब मेरी बीमार हो गई थी, आपने बड़ा उपचार कराया, नहीं बचा पाई। आपको तो अपनी बेटी का दुख हुआ ही होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा मेरा कोई ना, मेरे से इतना प्यार करती थी। अंग्रेज ऑफिसर दर्वित हो गई है, मेरी बेटी से इतना प्यार करना। और लड़की ने कहा, क्या मेरी सहेली के पिता मेरे पिताजी को गिरफ्तार करने के लिए आए? वो राष्ट्र के हित में लड़ रहे हैं मेरे पिताजी। वहां से वो बहानाबाजी बना करके चुपचाप निकले। चलो दोबारा कोई और आएगा, हम कह देंगे हमें मिला नहीं। दोबारा वहां पर फिर फोर्स भेजी, लड़की फिर मिली। यही बातचीत हुई। हे लड़की, नाना साहब का पता है? पता है। तुम कौन हो? मैं उनकी बेटी हूं। अच्छा, तो नाना साहब को बताओ हमसे मिलाओ। कि नहीं मिलाऊंगी। वही उत्तर लड़की ने बड़े विश्वास के साथ, जोश के साथ कहे। लड़की, तुम जानती नहीं इसका क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। थोड़ी देर में तुम्हारे महल को ध्वस्त कर देंगे, आदेश कर दिए, तोड़फोड़ मचा दी। लड़की पत्थरों के टुकड़ों पर खड़ी है, क्या कर दिए, ये प्रकृति है। और आप मुझे भी मार दोगे, मेरी आत्मा तो यहां से
निकल जाएगी। यहाँ पर विद्वान लोग कहते हैं वही कृष्ण जी का उदाहरण, ज्ञानम छिन्नती शस्त्राणी नैनम दहती पावक न चैनम कर दापो न सोसती मारुते। आप क्या कर लोगे? मैं नाना साहब को नहीं बताऊंगी। अरे सिपाहियों देखते क्या, पकड़ो इस लड़की को। लड़की के दोनों हाथ बांध लिए, घोड़े पे चढ़ लिए। लड़की घिसटती जा रही है, छुल गई, बुरा हाल हो गया। कुछ दूरी पे जाकर गए, एक खंभे से लड़की को बांध दिया कि बता दो वरना तुम्हें अभी यहां खत्म कर दिया जाएगा, बिल्कुल मार दो। ईंधन इकट्ठा कर दिया, लकड़ियां डाल करके आग लगा दी। ये आजादी वैसे ही प्राप्त नहीं हुई। छोटी बेटियों का भी क्या कहना, नाना की पुत्री थी मैं ना। इन बेटियों का भी क्या कहना, नाना की पुत्री थी मैं ना। जाल में अंग्रेजों ने वो मैं ना अग्नि बीच जलाई। ओ आजादी करूं अंग्रेजों की बर्बाद, मुझे खून दो लो तुम आजादी करूं अंग्रेजों की बर्बाद। आजाद हिंद सेना ने काने जा जापान बनाए। ओ ने आर्य समाज बना। ओ अपनी जान गवाई, उन वीरों के बलिदानों
नहीं देश को पटने दे कसमे खा लो। राष्ट्र पे जो संकट है सब मिलकर टालो, राष्ट्र पे जो संकट है सब मिलकर टालो। पहले खुद का सुधार करो फिर अपने वतन से प्यार करो, पहले स्वयं का सुधार करो वतन से प्यार करो। पाल आर्य कमेड़ा निवासी करे वीरों की कविताई। हो, 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 हो।